कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों का स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार जांच कराई जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूल सैंपलिंग भी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया, ऐसा जहां कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई पॉजिटिव केस आता है तो हम उसके पूरे कॉन्टैक्ट्स ढूंढते हैं और उन कॉन्टैक्ट्स की सैंपलिंग कराते हैं। वो कार्य रेगुलर हो रहा है। जितनी भी जगह पॉजिटिव केसेस निकले हैं उनके कॉन्टैक्ट्स की सैंपलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग पूल सैंपलिंग का भी कार्य कर रहे हैं। पूल सैंपलिंग में हम खास करके उन लोगों का सैंपल ले रहे हैं जो कहीं से आए नहीं हैं और कहीं कोई उनका कॉन्टैक्ट नहीं है। उसके अलावा भी हम उनका सैंपल लेके जांच करते हैं कि उनके अंदर ये बीमारी या इसका वायरस गया तो नहीं है। तो हमारी पूल सैंपलिंग, कॉन्टैक्ट की सैंपलिंग जो पॉजिटिव आ जाते हैं, और जो भी अदर हमारी आशाएँ और ANMs जो निगरानी समितियां भ्रमण करके लिस्ट देती हैं कि अमुक व्यक्ति फीवर से ग्रसित है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से ग्रसित है या सांस फूल रही है, उनकी भी जांच करते हैं और प्रॉपर उपचार देते हैं। खास करके हम लोगों ने कोमॉर्बिड फैक्टर, जिसको आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, डायलिसिस का मरीज, टीबी का मरीज, इन लोगों का खास करके हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। और प्लस 60, तो किस कोई भी हो प्लस 60 की, सबकी सैम्पलिंग कराई जा रही है और लाइन लिस्ट हमारी आशाएं ANMs देती हैं और मेडिकल ऑफिसर बनाते हैं। वो हमारे किसी क्वारंटाइन सेंटर में इकट्ठा करते हैं, वहाँ हम सैंपल लेते हैं, सैंपल नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर जाने देते हैं और होम क्वारंटाइन की सलाह देते हैं। तो ये व्यवस्था पिछले एक महीने से चल रही है।